सो ये मल्टीविटामिन कौन से सप्लीमेंट है, इससे हमारा रनिंग का टाइमिंग कितना कम आ जाएगा, और कौन से मल्टीविटामिन लेने चाहिए जिससे हमारा अच्छा टाइमिंग आ सकता है दोस्तों, इसके बारे में दोस्तों आज हम पूरा जानकारी लेंगे। आप वीडियो को पूरा देखना और अच्छे से समझना। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आप अच्छे से वार्म एक्सरसाइज करते हो, अच्छे से वर्कआउट करते हो, अच्छे से स्ट्रेचिंग करते हो, लेकिन फिर भी आपका परफॉर्मेंस नहीं बढ़ता, फिर भी आपका रनिंग का इम्प्रूव नहीं होता। आप अच्छे से डाइट भी लेते हो फिर भी हमारा इम्प्रूव नहीं होता, ऐसा क्यों होता है दोस्तों? अगर आपको इसी प्रॉब्लम हो रही है तो दोस्तों आपको इस मल्टीविटामिन को ज़रूर लेना चाहिए, आपके डाइट में इस मल्टीविटामिन को ज़रूर शामिल करना चाहिए। दोस्तों आपको इम्पोर्टेंट बात बताओ, जितनी अच्छी रिकवरी आप प्रैक्टिस करते हो वर्कआउट करने के बाद, अगर आपको दोस्तों पूरी इंजरी हो जाती है वर्कआउट करने के बाद दोस्तों, अगर आपकी रिकवरी अच्छी नहीं होती, मतलब क्या, आप वर्कआउट करने के बाद अगर आपको पूरी बॉडी पेन होती है, आपके मसल्स पेन होती है, कई बार आपका मसल्स पेन होता है, आपको इंजरी होती है, आप नेक्स्ट दिन प्रैक्टिस करने पर जाते हो लेकिन इंजरी होती है, आपकी बॉडी टाइट होती है और आप प्रैक्टिस कर नहीं पाते, तो दोस्तों इसे कहते हैं रिकवरी। आपको वर्कआउट करने के बाद आपकी बॉडी बिल्कुल फ्रेश रहनी चाहिए, उसे कहते हैं दोस्तों रिकवरी। तो दोस्तों अगर आपकी बॉडी टाइट है, आपको बॉडी पेन है, उसमें आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो दोस्तों ऐसा परफॉर्मेंस नहीं बढ़ेगा आपका। तो दोस्तों मल्टीविटामिन से क्या होता है, दोस्तों अगर आप मल्टीविटामिन लेते हो उसमें बहुत सारे विटामिन मिनरल्स होते हैं जो हमें शरीर के लिए बहुत बेनिफिट है दोस्तों, इससे आपका पूरा डाइजेशन अच्छा होगा, आपके जो मसल्स टेयर है, आपकी जो इंजरी है वो भी ठीक हो जाएगी और दोस्तों आपके मसल्स रिकवरी हो जाएगी, ये दोस्तों हमें रनिंग के लिए बेनिफिट है। दोस्तों कौन से मल्टीविटामिन आप ले सकते हो, दोस्तों मैं आपको दो मल्टीविटामिन सजेस्ट करूंगा, एक है ए टू जेड टैबलेट और दूसरी सिप्रोडिन, ये दोस्तों मैं यूज़ करता हूँ, इससे आपकी रनिंग की इम्प्रूवमेंट 100% सुधारेगी। आपको इसको कैसे लेना है, देखो आप सुबह जब प्रैक्टिस करते हो उसके बाद आप ब्रेकफास्ट करते हो, ब्रेकफास्ट होने के बाद हमें तुरंत इस टैबलेट को ले सकते हैं, हमें एक टैबलेट को लेना है। और दोस्तों आप अगर रनिंग करते हो, हमेशा प्रैक्टिस करते हो दोस्तों, आप हमेशा इस टैबलेट को ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है, ये बहुत अच्छा है दोस्तों आपको जब अगर रनिंग में इम्प्रूव लानी है। और दोस्तों आप इस मल्टीविटामिन को लेते हो दोस्तों, एक या डेढ़ महीने आपको रिजल्ट अच्छा दिखने जाएगा, आपको एक महीने में आपको रिजल्ट दिखने शुरू हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको इस मल्टीविटामिन को खरीदना है दोस्तों, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए, वहाँ से आप खरीद सकते हो, नहीं तो आपको कहीं भी मेडिकल स्टोर में आपको अच्छा तरीके से मिल सकते हैं, 10 या 15 गोलियों की पॉकेट होते हैं आपको दोस्तों, ए टू जेड जो सुपरडन टैबलेट है 2 रुपये के आसपास मिल सकते हैं, आप आसान तरीके से खरीद सकते हो। दोस्तों आप इस मल्टीविटामिन को जरूर यूज़ करना, आपका हैंडल इम्प्रूव हो जाएगा। और दोस्तों अगर आपका रनिंग का इवेंट, आपकी भर्ती जो 2 या 2.5 महीने बाद है, आपके पास प्रैक्टिस करने में कम समय है, आपको टाइमिंग लाने में कम समय है, तो उस 2 या 2.5 महीने में आपको क्या करना है जिससे आपका रनिंग का इम्प्रूव आ जाएगा, क्यों मैं दोस्तों बाद में बनाऊंगा, आप अच्छे से देखना आपको समझ में आएगा। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।